हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है मेरा, वो मैं एक ट्रिप पे आया हूँ ऋषिकेश अपने फ्रेंड के साथ। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत मैं ऋषिकेश से कर रहा हूँ। ये जस्ट पीछे मेरा होटल है और अभी आपको दिखाता हूँ अपने होटल के सामने का व्यू। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये मेरे जस्ट होटल के सामने का व्यू है। मेरा जो होटल है वो राम झूले के पास में है और ये जस्ट सामने रहा राम झूला। सो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग की जो शुरुआत है ऋषिकेश से, वो राम झूले से कर रहा हूँ और ये जस्ट सामने राम झूला है। और ये गंगा नदी बह रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए ये परमार्थ निकेतन, बहुत प्यारा आश्रम है ऋषिकेश में। यही है परमार्थ निकेतन आश्रम। और ये आश्रम के अंदर का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। हाँ जी, सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज राम जानकी सेतु। और ये है राम जानकी सेतु। सो फ्रेंड्स, ये है राम जानकी सेतु। सो फ्रेंड्स, घूम के काफ़ी थक गए हैं बट मौसम बहुत अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छे हैं, तो रुकने का मन नहीं हो रहा है। देख रहे हैं नज़ारे चारों तरफ के, ये ऋषिकेश। सुबह तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पे, अब मौसम खुल गया है पूरा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आपको गंगा के किनारे, बहुत प्यारी सी लोकेशन है, छोटी सी बीच टाइप की, वो भी लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत प्यारा सा एक छोटी सी जगह है, ये जस्ट परमार्थ निकेतन के सामने। आपको ये घाट तो नहीं कह सकते हैं बट एक छोटा सा बीच बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जस्ट सामने परमार्थ निकेतन आश्रम। हाँ जी फ्रेंड्स, तो दिखाई आपको बहुत प्यारी सी लोकेशन, ये छोटा सा बीच परमार्थ निकेतन के जस्ट सामने है। प्यारा सा व्यू। बहुत ही प्यारा सनसेट है। सो फ्रेंड्स, देखा कि अभी दिखाया आपको बहुत प्यारा सा सनसेट और अब शाम हो गई, 7 बज गया है, तो हम लोग गंगा आरती के लिए जा रहे हैं जो कि परमार्थ निकेतन पे होता है। चलो दिखाते हैं आपको इसी के साथ गंगा आरती। और अब हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती के लिए, शाम हो गई है। कैसा लग रहा है शाम में? बढ़िया। तैयार है ना सब लोग गंगा आरती के लिए? फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग आरती में आ गए हैं और बहुत अच्छी आरती होती है यहाँ पे परमार्थ निकेतन। तो गंगा आरती करके अब हम लोग आ गए हैं नाइट व्यू देखने राम झूला का। और ये है गजब का प्यारा सा राम झूला, मतलब कितना प्यारा लग रहा है, कैमरे से भी बेटर लग रहा है ऐसे देखने में। क्या नज़ारा है शाम का। सो फाइनली अब जा रहे हैं हम लोग डिनर करने।
यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट चटनी। यही है चोटी वाला रेस्टोरेंट, और ये रेस्टोरेंट चोटी वाला बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, दिखाते हैं आपको। और ये हम लोगों ने इनकी महाराजा थाली ऑर्डर की है, यहाँ की स्पेशल थाली है चोटी वाला। ये रायता है, मिक्स वेज, गुलाब जामुन, ये बटर पनीर मसाला, दाल मखनी, कड़ी, पापड़। चलो एंजॉय करते हैं अपनी थाली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हम लोग सुबह सुबह ऋषिकेश में आ गए हैं। 13 मंजिल मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर, बहुत बढ़िया लोकेशन है। ये जस्ट लक्ष्मण झूला है पास में। चलिए चलते हैं मंदिर में ऊपर, दिखाते हैं आपको। काफ़ी बड़ा है ये मंदिर, और काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हम लोग। ये पूरा ऋषिकेश शहर दिख रहा है यहाँ से, बहुत बढ़िया नज़ारा है। सो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर के टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से मंदिर के टॉप फ्लोर से। तो फ्रेंड्स, ये राम झूला के पास नीम बीच है, ये इसका नाम रखा गया है नीम बीच। काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये। सो फ्रेंड्स, जो हमारा ऋषिकेश का ट्रिप था, जो टूर था ऋषिकेश का, वो यहीं पर एंड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा, कहाँ जाते हैं, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय भोले, जय भोले।